ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? ठीक यस सर, यस सर। है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आ जाइए, अब अच्छे से ही चलते हैं। जब आप 45 मिनट आने के लिए तैयार हो तो थोड़ा बहुत इसको शुरू से डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मैंने पिछली क्लास में वो कुछ अच्छा हुआ नहीं था, मुझे खुद अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ क्लास में। ठीक है, देखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर हम बात करें कि सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता चल जाएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है वो पता चल जाएगा। अब देखो, आप लोगों ने 10वीं क्लास में, क्लास 10th वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये, अगर मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास क्या है, एक एटम ए है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक एटम बी है उसके पास जो है एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है। अगर ये ए एटम क्या करे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बी एटम को दे देगा, और देने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो क्या हो जाएगा, उसको एरो से दिखाते हैं, ए एरो टुवर्ड्स बी। ठीक है, और यहाँ पे जो बी बॉन्ड है ना, सॉरी, ये जो ए और बी के बीच में जो एरो वाला बॉन्ड है इसको हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोऑर्डिनेट को वैलेंट बॉन्ड, लेकिन हम सीधा क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। अब हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पे देखिएगा कि ए जो है, अगर आप देखोगे तो क्या ए डोनर है कि नहीं? ए क्या है यहाँ पर? डोनर, डोनर है। और बी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, यानी कि अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तभी वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ऑलरेडी उसके पास अगर मान लीजिए कि दो ऑर्बिटल है और चार इलेक्ट्रॉन उसमें फुल है तो वो इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। लेके रखेगा कहाँ? यानी कि बी जो है आपका दोस्त, वो क्या होने वाला है, एक्सेप्टर होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी फॉर्म हो सकता है जब एक ऐसा स्पीसीज हो, चाहे एक ऐसा मलिक्यूल हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और एक ऐसा स्पीसीज हो, एटम हो या आयन हो सकता है कि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, तो वो क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मीनिंग समझ में आ गया? हेलो, आप यस लोग थोड़ा बहुत बोलते रहो, आप लोग बोलते नहीं हो इसलिए मुझे रियलाइज नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों का बोलना बहुत जरूरी है, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मानता हूँ नोट बना रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो वो अलग बात है। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सेम थिंग हैपन कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मैं दिखाता हूँ, ये रहा आपका कोबाल्ट, ठीक है, और ये रहा आपका NH3 हेक्सा। ठीक है, 2+, या मैं इसको बोल देता हूँ 3+। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, कि ये एक ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। कैसा है ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड, या आप उसका दूसरा नाम भी बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलिए चाहे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ऐसा हम इसको क्यों बोल रहे हैं दोस्त, कि यहाँ पर ना ये जो कंपाउंड है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब आ जाइए यहाँ पे देखोगे कि आप देखिएगा, ये रहा कोबाल्ट मेटल, और यहाँ पर एक अमोनिया स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, अमोनिया मॉलिक्यूल से NH3। ये रहा नहीं आपका, हेलो, सर, दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट यार, सबको दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, यस सर। चलिए एक बार दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ दोस्त, अब दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, यस चलिए सर। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आप बोल दिया करिए ऐसे अगर मान लीजिए दिखाई नहीं देता है तो फिर। हाँ, तो देखिए अब इसी मॉलिक्यूल्स में आप देखोगे कि यहाँ पर ये कोबाल्ट जो है ना, ये कोबाल्ट, और इससे कितने, इसके अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट और NH3 6, यानी कि 6 अमोनिया लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे,
तो आप देखिएगा ये रहा आपका NH3, यहाँ पर भी एक NH3 और यहाँ पर भी देखोगे कि NH3 और यहाँ पर भी आप देखिएगा NH3, टोटल 6 मॉलिक्यूल्स अंदर है अमोनिया का। यहाँ पर भी आप क्या आप लोगों को पता है कि अमोनिया के पास अमोनिया मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता, बताइए आप। यस सर। ठीक है, क्या कोबाल्ट का देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा ये रहा कोबाल्ट 3d7 4s2, तीन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोबाल्ट 3d7 यानी कि सॉरी ये हो जाएगा आपका 3d6 4s0, तो इसको हटा दीजिए कोई जरूरत है नहीं 3d6। अब होता क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दोगे आप लोग तो ये रहा आपका 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड 5 एंड, ठीक है एक ज्यादा बना दिया मैंने, 4 एंड 5 ऑर्बिटल है ये डी का। होता क्या कि ये जो अमोनिया लिगेंड है इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन देता है ना उस स्पीसीज को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। अब हुआ क्या देखिए कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए तो 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा क्यों पेयरिंग हो रही है वो बाद में बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो आप कोबाल्ट देख रहे हो कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद देखोगे ये रहा 4s, ये आपका 3d6 4s एम्प्टी और 4s 0 लिख देता हूँ 4s, और ये रहा आपका 4p के तीन ऑर्बिटल्स। अब ये अमोनिया लिगेंड, अब देखो ये जो कोबाल्ट यहाँ पर सेंटर में आपको दिख रहा है क्या इसके पास एक एक डी ऑर्बिटल, दूसरा डी ऑर्बिटल, तीसरा एस ऑर्बिटल और यहाँ पर 3p ऑर्बिटल है कि नहीं, एक ये एक ये एक ये, टोटल 6 एमपी ऑर्बिटल है कि नहीं। यस सर। चलिए तो अब यहाँ पे ये जो कोबाल्ट एटम दिख रहा है इसमें तो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप इन अंदर जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कोबाल्ट है इसके पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, और वो जो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं तो ये जो अमोनिया है ना ये क्या कर देता है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके कौन सा बॉन्ड बना देता है, कोऑर्डिनेट, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या होगा आपका एक्सेप्टर और जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो क्या होंगे, डोनर। तो यहाँ पे जो डोनर स्पीसीज है ना हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको हम बोल देते हैं लिगेंड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिगेंड। ठीक है, अब बताइए जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आ जाएगा, अगर इनऑर्गेनिक में अमोनिया को तो हम अमोनिया बोलते हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जब हम लैंग्वेज में बात करेंगे तो यहाँ पे जो NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो नॉन बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डेड का मतलब किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं है, ऐसे फ्री है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और वो क्या करेगा कोबाल्ट मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्यों देगा क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग लिगेंड बोल देते हैं, और ये जो मेटल है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं भैया, सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि वो सबके सेंटर में है कि नहीं। यस सर। हाँ तो याद रखिएगा ये जो बॉन्ड है इसको हम बोल देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने क्यों बोला दोस्त, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड था वो दो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बन रहा है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर जो कोबाल्ट है इसको आप बोल दोगे सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जो डोनर है उसको हम कोऑर्डिनेशन की लैंग्वेज में लिगेंड, और जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और यहाँ पर जो सेंटर में मेटल आ रहा है सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल ही होंगे तो उसको हम बोल देंगे सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब एक बात बताइए कि इस कंपाउंड में 6 के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया इसका मतलब कि भैया एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता तो हम इसको किसकी कैटेगरी में रखते, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में रखते। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल सकते हो, और क्यों बोल रहे हो क्योंकि इसके अंदर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। ठीक है,
चलिए बस आप लोग थोड़ा बोलते रहिएगा, थोड़ा एक्टिव रहिएगा, सुनते रहिए, नोट करते रहिए, बोलते रहिए। चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा और कुछ नहीं, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं अपना। अब देखिएगा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसकी कहानी क्या है, उसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि वही जो कोबाल्ट था उसका कोबाल्ट का स्ट्रक्चर कैसे था कि ये रहा भाई अमोनिया आपका, ये रहा आपका यहाँ पर अमोनिया, ये रहा आपका अमोनिया, यहाँ पर भी आप देखोगे अमोनिया था, ये रहा आपका अमोनिया मॉलिक्यूल्स और ये रहा अमोनिया। ठीक है, अब कितने लिंक बॉन्ड बनाया, तो अब ध्यान से सुनिएगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसको मैं एरो बार बार नहीं बनाऊंगा, अब सीधा सिंपल बॉन्ड से दिखाऊंगा, ऐसे ही बॉन्ड से दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? सिंपल लाइन से, ऐसे एरो ना बना करके मैं किससे करूंगा, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोई दूसरा बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या दोस्त कि वहां पर क्या था, कोबाल्ट NH3 और यहाँ पे 6 था और इसके ऊपर क्या था, 3 चार्ज था, तो इसको भी मुझे चार्ज डिनोट करने के लिए या तो मैं ऐसे लिखूं 3+। ठीक है, अब एक बात बताइए, इन दोनों में सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड, इजी मेथड कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? गधा मजदूरी किसमें करना पड़ रहा है मुझे? ये मेरा कन्वीनियंट नहीं है, ये वाला ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि कम स्पेस में मैं बार बार स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा तो मेरी मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक नहीं है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि इनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्डिंग क्या है, तो उसको हम बोल देंगे कि दोस्त ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर मुझे ईजी लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये जो आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हो ना, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलिए अब देखिएगा रीजन कि भाई अगर मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो अगर निगेटिव है, क्योंकि काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो अब जो निगेटिव आयन होगा उसको हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड, किधर लिखेंगे, यानी कैटायन होगा, सॉरी ये पॉजिटिव है तो निगेटिव आयन जो होगा मान लेते हैं कि वो एक्स है, वो लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव आयन से ही तो काउंटर बैलेंस करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि ये के प्लस है तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सीएल माइनस मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, समझ रहे हो आप लोग? तो वैसे ही अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए निगेटिव आयन्स चाहिए, और वो निगेटिव आयन्स किधर लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड, किधर लिखेंगे, राइट साइड, ये राइट साइड है कि नहीं? Yes, sir. चलिए अब मान लीजिए दोस्तों, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया और इसके अंदर क्या होगा, मेटल होगा और लिगेंड्स होंगे, मेटल लिगेंड्स होंगे, क्योंकि देखो ना ये रहा कोबाल्ट मेटल और जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं उनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। अब आ जाइए आप लोग एक और कि मान लीजिए कि ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब जब नेगेटिव चार्ज है तो जैसे यहाँ पे देख लो कि अगर मान लीजिए कि ये सीएल माइनस है, ठीक है, तो अगर इसको काउंटर बैलेंस करना है तो एन ए प्लस मुझे लिखना पड़ेगा, किधर लिख रहे हैं, राइट साइड। ठीक है, तो अब सॉरी लेफ्ट साइड, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है तो आप किससे बैलेंस करोगे, जैसे क्लोरीन पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए, यानी कि मान लीजिए कि कैटाइन, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज इधर लिखना पड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करे कोई बताएगा, सी कर देता हूं, ठीक है, सी प्लस। अब इसको किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़े आप। यस सर। ठीक है, वर्नर थियरी मैंने बता दिया था, इसको डिस्कस नहीं करूंगा, ये उतना इफेक्टिव हुआ नहीं, खैर मैं कर सकता था इसे लेकिन कल नंबर ही इतना कम था मेरा, लिमिट। अब बात आती है दोस्त कि हमने जो कंपाउंड देखा था
कि भाई एक लिगेंड, एक ऐसा स्पीसीज था जो जितने भी ट्रांजिशन मेटल है उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, और उस एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया हुआ है, कौन सा, एफिशिएंसी। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका K4FeCN6, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या 4K+, तो 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इधर आप देखोगे कि ये रहा FeCN6, क्या यहाँ पर 4 यूनिट निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? यस सर। चलिए अब देखिए, ये जो है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और यहाँ पे आयरन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, क्या है, CMA, सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पे जो CN दिख रहा है, CN-, ये आपका क्या है, लिगेंड है कि नहीं? यस सर। लिगेंड का मतलब कि भैया ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इसको क्या बोल सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए हम इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है जिसको हम लिगेंड बोल देते हैं। बात आती है, इतना हमने सेंट्रल एटम में दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब हम बेसिकली ना यहाँ पे देखेंगे लिगेंड एंड क्लासिफिकेशन, कि भाई साहब जो आपका लिगेंड होता है उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, उसके क्लासिफिकेशंस को हम देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो देखिए, लिगेंड का सिंपल और अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ कि कोई भी स्पीसीज हो, स्पीसीज का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो, चाहे लिगेंड मतलब आयन, आयन के फॉर्म में हो, न्यूट्रल हो चाहे आयन्स के फॉर्म में हो, निगेटिवली चार्ज चाहे पॉजिटिवली चार्ज, अगर उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वो सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है, ट्रांजिशन मेटल को दे सकता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, लिगेंड, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, भैया वो लिगेंड की तरह काम करेगा। चल आ जाइए, अब हम बात करते हैं लिगेंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कुछ स्पेसिफिक अगर आगे स्लाइड वगैरह में हमने हिट नहीं करा है, वैसे तो है यहाँ पर। देखिए लिगेंड का मतलब क्या, कि अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्त ये रहा आपका H2O, क्या ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 2 से डिवाइड करिए तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? Yes, sir. और ये इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा दोस्त, कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक आयरन एटम है, आयरन 3+ है, तो ऑब्वियसली इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, और वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब मैं बार बार मेटल का जिक्र नहीं करूंगा, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा काम करेगा दोस्त, एज अ लिगेंड। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन में ये रहा NH3, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा काम करेगा, लिगेंड की तरह। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर आप देखिएगा कि ये रहा साइनाइट, ये माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लोन पेयर ये दे रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि NH2- और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैसा काम करेगा दोस्त, लिगेंड की तरह। क्लियर समझ में आया कि कोई भी अगर स्पीसीज है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और वो कैसा बिहेव करेगा, लिगेंड की तरह। क्लियर समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे दो तरह की चीजें आपको दिख रही है, एक तो भैया न्यूट्रल है और दूसरा क्या है, चार्ज। दूसरा क्या है, एक न्यूट्रल और दूसरा क्या है, चार्ज है। तो अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, और जब चार्ज नहीं होगा तो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रल लिगेंड। क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल लिगेंड।
जिसके पास कोई चार्ज नहीं है उसको न्यूट्रल लिगेंड बोलेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए कि साइनाइड है, इसके पास भी लोन पर इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, ये नाइट्रोजन है इसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, लेकिन इसके साथ साथ चार्ज के साथ साथ सॉरी लोन पर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, यानी कि ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे भैया, चार्ज चार्ज लिगेंड, क्या बोलेंगे हम इसको, चार्ज लिगेंड। एक आपका क्या होगा न्यूट्रल लिगेंड, दूसरा क्या होगा चार्ज लिगेंड। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। यस सर। अब बहुत सारे लिगेंड हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आगे बढ़ेंगे तो है भी, यहाँ पे देखिएगा Cl माइनस हैलोजन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कैसा काम करेगा, लिगेंड की तरह। अगर मैं Br माइनस कर दूं तो इसके पास भी लोन पर इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैसा काम करेगा, लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर और कुछ, और कुछ जैसे कि O2 माइनस है तो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा काम करेगा, लिगेंड की तरह काम करेगा। तो यानी हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं उसको हम लिगेंड की कैटेगरी में डाल देंगे। एग्जाम्पल्स लिखते रहिएगा, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि लिगेंड तो हमने समझ लिया दोस्त, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। लिगेंड हमने क्या करा, समझ लिया, और हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन का। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, बताइए अगर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में आप आ जाइए, क्या ये एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक साथ दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो जब एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको बोल देंगे कि भैया इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी वन है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बोल देते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मोनोडेंटेड। अब उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड लिगेंड, यानी कि इफ ओनली वन एटम ऑफ लिगेंड निगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स डोनेट वन एटम, छोड़ दो इसको, पूरी कहानी बाद में पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर आप देखो कि ये रहा आपका NH3 और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भेजेगा, किसी को देगा किसी मेटल को, तो उसको बोल देंगे यूनिडेंटेड। यूनि का मतलब वन, यूनि का मतलब वन समझ लीजिए, तो उसको बोल देंगे यूनिडेंटेड लिगेंड, यानी कि डेंटिसिटी इसकी क्या हो गई, वन। अब बात आती है डेंटिसिटी वन आ गई, सारे हमने समझ लिए, और कुछ एग्जाम्पल्स लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए क्लियरिटी के लिए। जैसे कि अब क्या कर सकते हैं, अमोनिया हो गया, ये एक साथ और इस पे कोई और एग्जांपल, जैसे कि OH माइनस, देखिए ये भी क्या करेगा, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसकी भी डेंटिसिटी क्या हो गई, वन, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है। ठीक, अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे कि NH4+, तो यहां पर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, ये डोनेट कर सकता है, नहीं इसको नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते, इसको NH- तो ये देखिएगा ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि भाई ये रहा आपका लिगेंड। कुछ और एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सारे के सारे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कहाँ गया, चलिए याद है, कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि CH3NH2, तो इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डेंटिसिटी इसकी वन हो गई। फिर पूरा X माइनस कर देता हूँ, X माइनस की जगह क्या हो जाएगा, आप देखिएगा कि क्लोरीन माइनस इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन माइनस इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ब्रोमीन माइनस इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, आयोडीन माइनस कर दो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक ही शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा बिहेव करेंगे, एज अ लिगेंड करेंगे। यहाँ पर मिथाइल अमाइन देख रहे हो, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा मेटल को, एक कोऑर्डिनेट बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब उसकी डेंटिसिटी क्या हो गई, वन हो गई। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, अगर हो सकता है तो हम लोग ट्राई करते हैं, CONO, बहुत सारे, चलिए यहाँ पे देखिए कार्बन मोनो ऑक्साइड है, तो यहाँ पर देखिएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के पास, और ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा एक बॉन्ड, तो इसको भी हम बोलेंगे कि भैया ये यूनिडेंटेड लिगेंड है।
जैसे कि यहाँ पर एक पीरिडीन मॉलिक्यूल्स हो गया, ये नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई मेटल इसके कांटेक्ट में आया तो ये दे देगा, तो ये जो पीरिडीन है इसको पी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी यूनिडेंटेड यानी कि मोनोडेंटेड बोल सकते हो, ये भी आपका क्या हो गया है, लिगेंड की तरह काम करेगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इतने सफिशियंट एग्जाम्पल्स तो हो गए हैं, अब बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ में। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं ये लिगेंड है NH3, ये लोन पर दे रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, एमीन। अगर ये वाटर है, ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्वा। इनका नाम क्या होगा, एक्वा। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रोसाइल। अगर कार्बोनिल ग्रुप दे रहा है इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कार्बोनिल। अगर ऑक्सीजन है तो ये इसको डाई ऑक्सीजन, N2 है तो डाई नाइट्रोजन। और ये जो पिरिडीन हमने स्ट्रक्चर देखा था ये वाला, तो इसको हम बोल देंगे पिरिडीन। चलिए इसको अब हम आगे समझेंगे, अभी तो नहीं। तो ये आपका हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड, आगे इनमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो समझते रहेंगे। अब बात आती है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है दोस्त, कि वहां पे जैसे क्या था कि एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, दे रहा था, अब बाइडेंटेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा आपका CH2, ये रहा CH2, और यहां पर क्या हो गया NH2, इसके पास भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, वो देखिएगा NH2, इसका नाम क्या हो जाता है, एथिलीन डाइएमाइन। इसका क्या नाम होता है, एथिलीन डाइएमाइन। इसका नाम जो है दोस्त वो है एथिलीन डाइएमाइन। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक मेटल है, तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एथिलीन डाइएमाइन डोनेट कर सकता है मेटल, कोई बताएगा सोच के। देख ये पूरा मॉलिक्यूल्स क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है कि नहीं, एथिलीन डाइएमाइन एक ही मॉलिक्यूल्स है। हमारे पास जो मेटल है, या देखोगे इसी एथिलीन डाइएमाइन्स में एक ये नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये सेंट्रल मेटल को, तो ध्यान से सुनिएगा, एक ए वाला नाइट्रोजन दे सकता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये भी इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना देगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि अब ध्यान से सुनिए, अगर एक ही मॉलिक्यूल मेटल को दो बार इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल जो है इनमें दो डोनर साइट है, डोनर साइट कितनी होनी चाहिए, दो। तो यहाँ पे देखिएगा, एक डोनर साइट ये है, एक डोनर साइट ये है, तो नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब ये बाइडेंटेड हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर ये रहा आपका कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ओ माइनस है, ऑक्सिलेट है। इसको ध्यान से सुनिएगा, एथिलीन डाइएमाइन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई एन से, ब्रैकेट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, ई एन से। अगर कहीं लिखा हो EN, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका लिगेंड है एथिलीन डाइएमाइन है। यहाँ पे देखिए, ये एक कंपाउंड है, इसको बोल देते हैं ऑक्सलेट आयन। क्या बोल देते हैं हम इसको, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ एक्स से, और आप चाहो तो अगर निगेटिव चार्ज भी दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो कि ओ एक्स टू माइनस, या तो आपको ऐसे मिलेगा या ऐसे मिल सकता है, दोनों की तरह मिल सकता है। अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप मान के चलिएगा कि इसके ऊपर दो यूनिट नेगेटिव चार्ज है, आपको वो बताना चाहता है कि भैया आप समझ जाओ, आप लिगेंड पढ़े लिखे हो। अब देखिएगा, ऑक्सिलेट आयन को शॉर्टकट में OX से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हुआ क्या, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, Cu2+ मेटल है, चाहे Cu2+ ना करके यहाँ पे बोल देता हूँ Fe2+, और इसके पास क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन। देखो अगर मान लीजिए कि ये ना दे करके एक ही दे रहा है, तब तो बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड, लेकिन अब ये वाला ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर आयरन को दे देगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देने के दो डोनर होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि बाइडेंटेड है।
एक दो और एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे ये देखिए CH, और यहाँ पे क्या हो गया CH, ये रहा आपका NH2, ये रहा आपका NH2 और ये रहा NH2, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, और यहाँ पर आपके पास कोई मेटल हो सकता है, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, कुछ भी हो सकता है। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। अब एक बात बताइए कि ये यहाँ पे कितने डोनर साइट है, बताइए कितने डोनर साइट है यहाँ पर। तो देखिए एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, तो इस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर, ट्राइडेंटेड लिगेंड, इसको हमने आगे पढ़ना चाहिए था, यही बता दिया मैंने, खैर ठीक है। अब एक काम करिए, एक दो और एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ बाइडेंटेड लिगेंड के। तो ये हो गया एथिलीन डाइएमाइड, तो इसको हम क्या बोल देंगे, EM, इसको ऑक्सिलेट बोलेंगे। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, CH, ये रहा CH2, ये हो गया आपका CH, ऐसा क्यों हो रहा है यार, CH2, ये रहा आपका CH2, और ये रहा आपका NH2, ये देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कोई मेटल होगा तो ये डोनर साइट है, कितनी डोनर साइट है, ऑफ कोर्स दो डोनर साइट है, तो ये भी आपका कौन सा लिगेंड हो जाएगा, द बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है, तो प्रोपेन, प्रोपेन डाइएमाइन, आप ऐसे सब लिख सकते हो प्रोपेन, क्योंकि तीन कार्बन है तो प्रोपेन डाइएमाइन, और इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं PN से, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, PN से। तो ये हो गया आपका प्रोपेन डायमंड, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। अब और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। हाँ, SO4 माइनस ऑक्सिलेट हमने देख लिया है, चलिए यहाँ पे नोट करिए, अगर मैं आप लोगों को कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाऊ, कार्बोनेट आयन कौन सा होता है, ये रहा CO3, 2 माइनस में आप देखोगे कि यहाँ पर ये रहा आपका कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये देखिएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मेटल होगा तो क्या एक ये और एक ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं दे सकता? दो डोनर साइट है, तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, बाइडेंटेड आयन, और इसका नाम क्या होता है, कार्बोनेट आयन, तो वो कार्बोनेट आयन ही सीधा लिख देंगे लिगेंड में अगर लिखना होगा तो इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, चार्ज भी देखिए इस पे कितना यूनिट निगेटिव चार्ज है, 2 यूनिट निगेटिव चार्ज, यहाँ पर कितना ऑक्सिलेट में 2 यूनिट निगेटिव चार्ज, और बाकी सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड है तो उनपे चार्ज 0 होगा। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम हुआ अभी, व्हाट टाइम है, चलो और एक और एग्जांपल, सल्फेट आयन देख लीजिए, SO4, तो ये रहा आपका सल्फर डबल बॉन्ड, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, ये O-, यहाँ पर भी देखोगे कितनी डोनर साइट है, बताइए दोस्त, मेटल, तो ये और ये, क्या ये भी बाइडेंटेड लिगेंड होगा कि नहीं? यस, सल्फेट आयन, ये भी बाइडेंटेड है, कार्बोनेट भी बाइडेंटेड है, ऑक्सिलेट भी बाइडेंटेड है, और यहाँ पर देखो एथिलीन डाइएमाइन भी बाइडेंटेड है, जिसको EN से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे प्रोपेन डाइएमाइन है, तो इसको भी हम बोलेंगे भैया PN से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बाइडेंटेड समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी बाइडेंटेड का एग्जाम्पल ही था, हमने एक ही में निपटा दिया, ट्राइडेंटेड लिगेंड, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ट्राइडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे ध्यान से देखिए, द लिगेंड इन विच देयर आर 3 कोऑर्डिनेट साइट इज कॉल्ड ट्राइडेंटेड लिगेंड, यानी कि 3 एटम होने चाहिए कि भैया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को दे दे, ऐसे लिगेंड्स को, ऐसे स्पीसीज को हम बोलेंगे भैया ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं शायद अगर इधर हमारे पास हो, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं बताए आप लोगों को, जेई मेन में पिछली बार पूछा हुआ था, तो बाइडेंटेड का एक दो छूट रहा, उसको कवर कर ही देता। ये देखिए नाइट्रोजन,
ये अब आप लोग बताइएगा सोच के। अब बताइए ये कौन सा है, बाईडेंटेड लिगेंड है कि ट्राईडेंटेड लिगेंड है? बताओ यार। सर बाईडेंटेड लिगेंड। कौन सा है? बाईडेंटेड। ठीक है, तो ये भी बाईडेंटेड है और इसका नाम क्या हो गया है, 1,2,2-डाईपिरिडिन, डाई पिरिडिन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा कि ये रहा आपका DIPY, डाईपिरिड। ऐसे रिप्रेजेंट हम लोग इसको कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड में, तो यहाँ पर थ्री डोनर साइट्स होंगे, तो इसका भी एक एग्जांपल आप लिख लीजिए। ये रहा आपका CH2, CH, CH2, और यहाँ पर NH2, ये रहा एक और NH2, और यहाँ पर एक और NH2 आ जाता है। यहाँ पे कोई मान लीजिए मेटल है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, 3। तो ये हो गया है ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए, 1, 2, 3, क्या कर सकते हो, 1, सॉरी प्रोपेन। पहले तो 3 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, फिर नंबरिंग में देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1,2,3, ठीक है, ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन। यानी कि अब इसका अगर शॉर्टकट नाम होगा तो क्या लिखेंगे, PTN। अगर आपको कहीं रिप्रेजेंट करा हो ना कहीं भी, तो PTN मिलेगा आप। ठीक है, प्रोपेन ट्राई एमाइन, यानी कि टेट्रा डेंटेड लिगेंड है, उसपे चार्ज क्या है, 0 चार्ज। चलिए एक दो और एग्जांपल्स, एक दो और एग्जांपल्स। ये हो गया पीटीएन, हो गया ट्राइडेंटेड लिगेंड। हाँ चलो ये देख लीजिए एक बार। CH2, CH2, ये रहा आपका नाइट्रोजन, NH, ये हो गया आपका CH2, CH2, और यहाँ पे हो गया NH2, NH2, ये हो गया आपका NH2। अगर मान लीजिए ये लोन पेयर है, तो ये कितने डोनर साइट है, 1, 2, 3। क्या ये ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अब देखिए CH2, ये वाले यूनिट को मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो यूनिट है, 2 यूनिट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एथिलीन। तो बताइए, एक है एथिलीन, 2 यूनिट, तो क्या बोलेंगे, डाई एथिलीन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, डाई एथिलीन। तो ठीक है, और यहाँ पे कितने यस एमाइन ग्रुप है, तो ये एक ये एमाइन ग्रुप है, एक ये एमाइन ग्रुप है, और एक ये एमाइन ग्रुप है। तो आप इसको क्या बोलोगे नाम में, डाई एथिलीन, डाई एथिलीन ट्राई एमाइन। ठीक है, और इसका शॉर्टकट जो नेम होता है वो क्या हो जाता है, डाई ई। ठीक है, डाई ई, आई थिंक यही होगा, यस डाई। तो ये भी आपका क्या हो गया, टेट्रा डेंटेड लिगेंड है। कभी कभार अगर आपसे पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। चलिए एक और, एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि फॉस्फेट, और फॉस्फेट है, ये रहा आपका फॉस्फोरस, ये रहा ओ, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस। इसका देखोगे PO4 3 माइनस। देखिए इनके पास सारे के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई मेटल होगा, तीनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यानी इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 3। 3 डोनर साइट है, मतलब ये ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गए। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। ये रहा आपका नाइट्रोजन, 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 ओ, उल्टा बना दिया क्या, एन। ठीक
ठीक है कोई बात नहीं, समझ लेना इसको। बताइए ये रहा मेटल, कितने डोनर साइट है यहाँ पर? तीन। तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे? ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसका नाम क्या होता है? तो टू टू डैश टू डबल डैश, इसका हो जाएगा ट्राइपिरिडीन। हाँ ट्राइपिरिडीन, क्यों? क्योंकि तीन मॉलिक्यूल्स जो है वो पिरिडीन कंबाइन हुआ है, और इसको शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं? तो पी वाई टर पी वाई, यानी कि TERPY। चलो हो गया, आगे बढ़े। यस चलिए सर, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले लीजिएगा। देखिए अब बात आती है ना हेक्साडेंटेड लिगेंड की। एक ही लिगेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा हुआ है जेई मेंस में, तो कई बार पूछा हुआ है भर भर के। तो इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। हेक्साडेंटेड लिगेंड में ना हेक्सा का मतलब क्या हो गया? सिक्स। हेक्सा का मतलब सिक्स डोनर साइट होनी चाहिए। तो ऐसे लिगेंड को हम बोल देंगे हेक्साडेंटेड लिगेंड, और इसका एक स्पेशियल नाम है EDTA। ठीक है EDTA, इसका नाम हो जाता है एथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एसिटेट। एथिलीन डाई, नहीं, हाँ एथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एसिटेट, हाँ एथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एसिटेट। ठीक है, EDTA का फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एसिटेट। और इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, तो ये रहा आपका CH2, ये रहा आपका CH2। ठीक है, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, आप लोग साथ में बनाते रहिए। इसके साथ में नाइट्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ में इधर क्या आपका नाइट्रोजन अटैच्ड है, और इस नाइट्रोजन से आप देखोगे ये रहा आपका CH2, इधर भी आपका क्या अटैच्ड है? CH2। तो इधर भी सिमेट्री है CH2 CH2। सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है दोस्तों? एथिलीन CH2 CH2, फिर उसके बाद से नाइट्रोजन जोड़िए, फिर नाइट्रोजन जोड़िए, और दोनों तरफ सेम CH2 CH2, नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी पूरा कर दीजिए। हो गया, अब आपको क्या करना है? एसीटेट आयन बनाना है, तो ये रहा आपका O- एसीटेट आयन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है, वही एसीटेट आयन बनाना है, क्योंकि नाम से पता चल जाएगा आपको कि देखिए एथिलीन, तो ये रहा आपका एथिलीन वाला पोर्शन। डाई एमाइन यानी कि दो नाइट्रोजन, एक ये, तो डाई एमाइन हो गया। टेट्रा का मतलब चार, तो चार एसीटेट आयन बनाने जो हम बना रहे। ठीक है, तो ये देखिएगा, एक दो एसीटेट आयन हो गए, और यहाँ से एक और एसीटेट आयन COO-, और ये क्या हो गया? COO-। देखिए इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम एसीटेट आयन बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एसीटेट आयन। हुआ क्या, हेक्साडेंटेट कैसे होगा? तो आप लोग सोचिए, बताइए। सबसे बड़ी बात कि डोनर साइट आप चेक करोगे तो कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर सिक्स डोनर साइट होनी चाहिए थी। तो सिक्स डोनर साइट कहाँ से मिलेगी? एक देखिए, एक यहाँ से डोनेट कर देगा एक, एक यहाँ से डोनेट कर देगा दो, एक यहाँ से डोनेट करेगा तो तीन। तो चलिए देखिए, मान लेते कि मेटल यहां पर है, तो एक डोनर साइट तो मोनोडेंटेड, दो डाइडेंटेड, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, ऊपर मिटा दो, तो ये क्या हो गया? ट्राइडेंटेड। ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा? टेट्राडेंटेड। ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या हो जाएगा? पेंटा। और ये अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया? हेक्सा। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? EDTA, हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्लियर हो गया? यस सर, बहुत बढ़िया, नोट करते रहिएगा। कभी कभार इसको ना बहकाने के लिए EDTA-4- भी लिख देता है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। 4- का मतलब कि ये रहा देखिए, एक यूनिट निगेटिव, एक यूनिट निगेटिव, एक यूनिट, और ये एक यूनिट, फोर यूनिट निगेटिव को ही वो दिखाता है और कुछ नहीं। सो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा लिगेंड था और उसका क्लासिफिकेशन था कि मोनो डाई ट्राई टेट्रा या फिर हेक्सा क्या होता है, तो वो समझ में आ गया होगा। इतना क्लियर हुआ लिगेंड के बारे में? यस सर। चलिए
चलिए सो एक काम करते हैं, ऑलमोस्ट क्लास हमारा 1 मिनट बाकी है, तो उसके लिए हम अगले बार आने वाले सर का टाइम तो नहीं लेंगे। हाँ अब आप लोग सुन लीजिए, इसको पहले तो स्टॉप करता हूं मैं।